हेमंत सोरेन ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने किसान सोलर वाटर पंप सेट योजना के कुसुम वेब पोर्टल, धनबाद और दुमका में 600 केवी के सोलर प्लांट और गिरिडीह सोलर सिटी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया। योजना के तहत अगले 5 वर्ष में झारखंड में करीब 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 125 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे देश में बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता है। मानव जीवन में जितनी आवश्यकता भोजन की है, उतनी ही आवश्यकता ऊर्जा की भी है। ऊर्जा की खपत और उत्पादन को लेकर सरकारें हमेशा से नीति बनाती रही है। हमारी सरकार पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के साथ साथ अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष फोकस कर रही है। जिस गति से राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया है, वो दिन दूर नहीं जब झारखंड ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के दिशा में सक्षम और आत्मनिर्भर बनेगा। सौर ऊर्जा के सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा राष्ट्र का भविष्य है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीतिगत पहल की है। सौर ऊर्जा नीति 2022 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें निवेशकों को प्रोत्साहन, सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, छूट और सब्सिडियर सहित कई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर सौर ऊर्जा नीति 2022 पुस्तिका का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने किया। इस पुस्तिका में सौर ऊर्जा नीति 2022 की संपूर्ण जानकारी रखी गई है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह सोलर सिटी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों से आज होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण में भी कई बदलाव हो रहे हैं, इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह इस पर काम किया जा रहा है। और आज उसी कड़ी में हम लोग भी सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसको लेकर सरकार ने एक नीति आपके समक्ष रखी है और मुझे उम्मीद है कि नीति आप सबको या यहां पर जो भी इस पे इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको पसंद आएगा। अभी ये पहल निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआत जरूर हुई है। आज जैसे कि गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के रूप में चयनित किया गया है, शहरी नहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें यह बात पहुंचाने की आवश्यकता है, इन योजनाओं को ले जाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है जिस तरीके से पेयजल विभाग ने भी सोलर पावर का उपयोग करते हुए जलापूर्ति योजना प्रारंभ की है, जिस तरीके से इरिगेशन विभाग ने भी सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का काम प्रारंभ कर दिया है, जब सभी जगह ये चीजें काफी सक्सेसफुल नजर आ रही है, तो क्यों नहीं हम लोग मिलकर एक इतना बड़ा इस विषय पर कार्य योजना तैयार करें, जहां हमें ये सौर ऊर्जा के माध्यम से हर वो काम कर सके जो काम आज के दिन में कोयले से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग होता है।
उस जगह इसको हम उपयोग कर पाए। इससे हमें जो आज जो मुझे जानकारी मिली है, जो लगभग 4-5 रुपया प्रति यूनिट बिजली खरीदी जाती है सरकार के माध्यम से, वहां पर 2-3 रुपये में ही हमें सौर ऊर्जा प्राप्त मिल जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को, गरीबों को भी काफी मदद मिलेगी। आज खेती बाड़ी से लेकर के लोगों को जलापूर्ति योजना से लेकर के लोगों को खाना बनाने तक का काम, यहां तक कि चूल्हे का भी काम अब बिजली के माध्यम से किया जाने लगा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ऊर्जा की कितनी आवश्यकता हमारे लिए है।